हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल VHU पाठशाला। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है मिशन UPSC। तो हम आज बात करेंगे कि BHU में आप एडमिशन लें तो ऐसा क्या करें, कौन से सब्जेक्ट को चूज करें जो आपके UPSC ओरिएंटेड हो, जिसमें आपको UPSC के लिए हेल्प मिले। तो UPSC एक, आप जानते हैं, भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से माना जाता है। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत लंबी चलती है, लेकिन अभी आप आ रहे हैं कहां ग्रेजुएशन करने, वो भी BHU जैसी यूनिवर्सिटी में। और यहां पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से पता होंगे, जो कि आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं BHU में, एक लैंग्वेज अलग से होती है। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स चूज करें, लैंग्वेज कैसे प्रेफरेंस भरें अगर आप UPSC का मोटिव लेकर BHU में आ रहे हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और गाइज, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की जो स्टडी है और जो मेरा अभी तक थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में अपने दोस्तों से नॉलेज मिला है, उसके बेस पर मैं बता रहा हूं। बट फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा और ये मैं फाइनल डिसीजन आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा UPSC के सिलेबस पर डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये थोड़ा सा पता होगा, तो फिर आप ये समझ पाएंगे कि मैं किन बेसिस पर ये बातें अपनी रख रहा हूं, और आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैं सही हूं, तर्क के साथ आ रहा हूं। तो अगर आप बहुत डेप्थ में इसके सिलेबस को जानना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी ये जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर चैनल पर जाइए। वहां पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने वीडियोस दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बट मैं एक थॉरली इसका आपको बता रहा हूं कि सिलेबस क्या होता है। तो इसका पैटर्न जो है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। UPSC का जो एग्जाम होता है उसमें एक प्री होता है, मेंस होता है, और एक इंटरव्यू स्टेज होता है। इंटरव्यू को वैसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो मैं यहां पर मेंस, अगर प्री की पहले बात कर लूं, तो प्री में देखिए आपके दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जो होता है वो मेरिट बेस, मेरिट बनाने के लिए होता है, जिससे आप मेंस में मेरिट बनेगी कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। बट जो सेकेंड पेपर है उसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि जो BHU में आते हैं मैक्सिमम हिंदी मीडियम से होते हैं, और हिंदी मीडियम वाले जो मात खा जाते हैं वो इसी में मात खा जाते हैं, CSAT में। वैसे क्वालिफाइंग है, इसमें केवल 33% लाने रहते हैं मार्क्स। मैं फिलहाल अब आता हूं मेंस पर, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें जनरली 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते कैसे हैं, इसमें जो पहले दो पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें 25 मार्क्स आपको लाने रहेंगे। मैं उसको अब यहीं पर समझा देता हूं थोड़ा। आपको यहां पर एक गोला दिख रहा है, जिसमें आपको बताया गया था, कल नील सर ने बताया था, ये लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जो कि आपको एक लैंग्वेज पढ़नी रहती है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं L, जो लैंग्वेज का पोर्शन, आपको ये लैंग्वेज पढ़नी रहेगी। अब मैं अभी जो UPSC सिलेबस बता रहा था, उसमें जो पहले दो पेपर होते हैं मेंस के, वो भी क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें आपको केवल 25% मार्क्स लाने रहते हैं। जो उसका टोटल पूर्णांक होता है वो होता है 300 का, एक एक पेपर का, जिसमें से आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है। उसके बाद आपके कई जो 8th शेड्यूल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो दिए गए हैं 22 लैंग्वेजेस, उसमें से आप चूज कर सकते हैं एक लैंग्वेज, दोनों कंपलसरी हैं। तो इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं कि जो इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो यहां पर लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर ले, क्योंकि आपको UPSC में बहुत काम आने वाली है, आपकी मस्ट है इंग्लिश। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप कभी भी UPSC क्लियर नहीं कर सकते, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर इंडिया, ठीक है, UPSC के लिए। अब मैं बात करूंगा, एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे हैं, तो कोई आप यहां पर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जिसको आप चूज करना चाहते हैं, उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। ये दोनों हो गए क्वालिफाइंग पेपर। उसके बाद आपका एक SA पेपर होता है, जो कि यहां से कोई वो GS के बेस पर, और आगे आप पढ़ेंगे तो वो कर ले जाएंगे। निबंध का थोड़ा पैटर्न आपके सिलेबस से ज्यादा मैच नहीं करता, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आप आइए GS के 4 पेपर बोले जाते हैं, फिर GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड, GS फोर्थ। उसके बाद मैं इसी समय आपको एक बता दूं, ऑप्शनल, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता ऑप्शनल क्या होता है।
और वो गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऑप्शनल आप चूज बाद में कीजिएगा, बट मैं ऑप्शनल ये बताना चाहता हूँ, आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहता है, जिसको वैकल्पिक विषय कहा जाता है हिंदी में, आप उसको चूज करेंगे, उसके दो पेपर होंगे, दो पेपर, वो भी 250-250 नंबरों के होंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये बता दूं कि जो इसमें होते हैं वो जनरली 50% मार्क्स उठते हैं जीएस में आपके, जनरली जो बहुत अच्छा करते हैं उनको 50% मार्क्स चले जाते हैं, बहुत अच्छा करने वालों के। बट जो जीएस का पोर्शन, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है, उसमें आप 60% मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 300+500 में से। तो इसलिए बहुत ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट बता दूं क्या क्या रहते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप लिस्ट देख लीजिएगा। बट जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, जो मैं बता रहा हूं यहां पर मिल जाए आपको सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, उसमें ऐसे करके है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन करके, ऐसा है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में। और आपका हिस्ट्री हो गया, उसके साथ एग्रीकल्चर हो गया, जो कोई अलग पोर्शन है इसमें नहीं मिलेगा, बट आपको साइकोलॉजी मिल जाएगा, आपको फिलोसफी मिल जाएगा, आपको सोशियोलॉजी मिल जाएगा, प्लस 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 आप आर्ट्स में अगर आ रहे हैं तो आर्ट्स में कई सारे लिटरेचर यहाँ को पढ़ने को मिलते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी और उसके साथ और कई भी लिटरेचर मिल जाएंगे आपको। बट ये दोनों मेन है, मतलब इंग्लिश हिंदी लिटरेचर जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा चूज करते हैं, किसके लिए, यूपीएससी में। तो हिंदी लिटरेचर आप यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसको ऑप्शनल बनाना चाहते हैं अपना सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट यहां पर हिंदी लिटरेचर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब ऑप्शनल पर बात कर लिया, आप ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब मैं जीएस पर सीधा आ जाता हूं, क्योंकि जीएस का पोर्शन अभी हमारा छूट रहा है, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके इंटरव्यू में भी पड़ता है, और जीएस आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्री में भी वही जीएस का पार्ट आता है। तो जीएस में मैं सिलेबस गिना दूं, वैसे तो फर्स्ट पेपर को जाना जाता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका सोशियोलॉजी, ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली ये तीन, सोशियोलॉजी वहां पर नहीं होता, उसका जो सिलेबस का नाम दिया गया है वो तो बहुत बड़ा है, 1.5 पेज में है, बट उसका जो मेन हेडिंग दी गई है वो है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये ऐसे करके उसका मेन हेडिंग दिया गया है सिलेबस का। GS2 जो है उसको बोलते हैं शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, फिर उसको बोलते हैं गवर्नेंस हो गया, फिर आपका हो जाएगा इधर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईआर हो गया इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको कह सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उसमें आपका फिर वो होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ऐसा होता है। मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा, उसका जो पूरा सिलेबस होता है आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा सिलेबस है, इधर मेरा हैंड रिटन है ये सिलेबस, आप इधर देख सकते हैं, उसके साथ इधर देख सकते हैं, तो ये पूरा है। बट जो इसकी टॉप हेडिंग है वो इतने में दिखी गई है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो ऐसे जो GS3 है उसको लोग कह देते हैं इकोनॉमिक्स, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा वो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको इकोनॉमिक्स के थोड़े से डेटा उसमें जानने पड़ेंगे, मतलब एक बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी होती क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा, बट उसका जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, उसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसा सिलेबस है। फिर जिसको GS4 बोलते हैं वो आपका मेनली तीन पार्ट से मैच करता है, उसका नाम है उसको नीति शास्त्र बोलते हैं जनरली, बट उसका जो नाम दिया गया है वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि बोला गया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसको ऐसे बोलते हैं। सिलेबस उसका भी बहुत बड़ा है, बहुत दिया गया है, बट उसको जो तीन पोर्शन उसमें मैच करते हैं मेनली, वो जीएस के पोर्शन से GS4 है, बट जीएस के अन्य तीनों सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। उसमें होता क्या है, आपका साइकोलॉजी उसमें मतलब मैटर करता है, उसमें आपका साइकोलॉजी का पोर्शन आएगा, आपका सोशियोलॉजी का पोर्शन आएगा, और आपका एथिक्स जिसको फिलोसफी कह सकते हो, बट फिलोसफी से थोड़ा डिफरेंस रहेगा, फिलोसफी का पोर्शन आएगा जरूर, बट फिलोसफी से डिफरेंस होगा, उसकी अलग प्रिपरेशन होगी। तो मैं इसके बेस पर आपको मैंने बताया कि ज्योग्राफी मैटर करता है, ज्योग्राफी आपका काम कहां करेगा मैं ये बता देता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ का एक मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट है जिसको लोग चूज करते हैं। तो ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैच कहां करेगा आपके जीएस में, अगर मैं बात करूं तो जीएस फर्स्ट में आपके एक पोर्शन ज्योग्राफी है जिसका एटलीस्ट 100 मार्क्स पर ईयर आपके GS1 में आते ही आते हैं ज्योग्राफी से, प्लस ये GS3 में जहां आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसका एक मेन पॉइंट है इकोनॉमिक, वो एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इसलिए उसका मेन पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि का हमेशा इंपैक्ट पड़ता है किस पर, अर्थव्यवस्था पर। और यही कारण रहता है कि कभी कभी मानसून जब खराब होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे चली जाती है। फिलहाल अभी नीचे गई, उसके कई वेरियस कारण है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट यहां पर आपका ज्योग्राफी हेल्प करेगा, प्लस ज्योग्राफी आप ऑप्शनल भी चूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं हिस्ट्री के पोर्शन पर। हिस्ट्री देखिए आपका केवल वही मिलेगा आपका जीएस फर्स्ट में ही। जीएस फर्स्ट में आपका हिस्ट्री कहां मिलेगा, लगभग ये भी 100 मार्क्स के अराउंड आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे एक सब्जेक्ट आपके पास सोशियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी आप चूज कर सकते हैं, समाजशास्त्र जिसको कहते हैं। ये आपका वैसे समाज पढ़ना है हमको फर्स्ट, जो जीएस फर्स्ट में वो समाज है, सोशियोलॉजी नहीं है, समाजशास्त्र से थोड़ा भिन्न रहेगा, लेकिन समाजशास्त्र उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको अगर आप चूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट उसको। तो फिर हम आते हैं, अब हमारा जीएस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यहां पर आपको मैंने बताया क्या क्या ले सकते हैं सब्जेक्ट जो कि बहुत अच्छे रहेंगे। आते हैं जीएस सेकेंड पर, ये क्या है, ये है मैंने जैसे सिलेबस बताया था, ये पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन करके इसको मेनली रखा जाता है। पॉलिटी अगर आप लेते हैं तो आपका मेन जो ये पूरा है ये कवर हो जाएगा आपका जीएस सेकंड, लगभग लगभग आपका कवर कर देता है, क्योंकि पॉलिटी में इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाएगा। उसके बाद ये आपको और कहां से हेल्प, और कहां हेल्प करेगा, तो जो आपका पॉलिटी होगा ये आपके जीएस फोर में भी हेल्प करेगा, वहां पर भी गवर्नेंस आपको पढ़ने हैं, उसमें एथिक्स जो है वो जब आप पूरा सिलेबस डेप्थ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, वो सीधा आपका जो पॉलिटी होगा उसमें बहुत ज्यादा ये भी पोर्शन हेल्प करेगा। आप यहां ले सकते, जब आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू मस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, वो है 275 नंबर के, 275 मार्क्स, वो बहुत ज्यादा, वहां पर आपको ये इस रूप में हेल्प करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन भारत में जो है वो सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है। ठीक है, जो देश है उसमें सर्वोपरि संविधान है, तो उसी से, उसी ने सबको शक्तियां दी है, तो वहां पर हेल्प करता है कि आप लोगों के जो राइट्स हैं उसको, आप अपने ड्यूटीज को जाने, वहां पर आपको हेल्प करेगा। ये हो गया पॉलिटी की बात, जो पॉलिटिकल साइंस है आप उसको एज अ सब्जेक्ट बीएचयू में चूज कर सकते हैं, बी ए आर्ट्स या बी ए सोशल साइंस में। उसके बाद हम आते हैं जीएस थ्री में। जीएस थ्री में मैं पहले बता चुका हूं कि आप एक अगर ज्योग्राफी चूज करते हैं तो हेल्प करेगा, ज्योग्राफी के साथ आपको फिर और चूज कर सकता है, इकोनॉमिक्स आपको यहां पर हेल्प कर सकता है, बट मैं पहले बता दूं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से थोड़ा भिन्न रहेगा, ये पूरा इकोनॉमिक्स है और वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, तो अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तभी लो, वरना उसके लिए बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप इकोनॉमिक्स ले लें जीएस थ्री के लिए। प्लस पॉलिटी, तो मैं पॉलिटी में बताना भूल गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी आप उसको चूज कर सकते हैं। जीएस फोर में मैं बता दूं आप फिलोसफी ले सकते हैं, जीएस फोर में आपके लिए फिलोसफी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप एज अ वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैं ये बताऊं कि जो फिलोसफी हो माना जाता है कि ऑप्शनल के तौर पर सबसे छोटा सिलेबस जो है, सबसे प्रिसाइज सिलेबस वो फिलोसफी का ही है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे कई मित्र हैं, मेरा तो नहीं है, मेरा फिलहाल फिलोसफी में इंटरेस्ट है एज अ सब्जेक्ट, मेरा नहीं है फिलोसफी बीएचयू में, बट मैं पढ़ता हूं, मुझे इंटरेस्ट आता है, और आपको एक क्या कह सकते हैं थिंकिंग क्रिएचर बनाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। मैं अभी बाद में 2 मिनट बताऊंगा कि यूपीएससी में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिलहाल मैं अभी सिलेबस में ही डिस्कशन कर रहा हूं। तो आपका एक फिलोसफी हो गया, आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजी भी हेल्प करेगा आपका किसमें, जीएस फोर में। उसके साथ मैं ऑप्शनल में बता चुका हूं कि आपको क्या क्या चूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने कई सब्जेक्ट बनाए थे जो ह्यूमैनिटीज के थे, प्लस लैंग्वेज मैंने बताया था, लिटरेचर आप उसमें चूज करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ ऐसे करके, फिर इधर शायद मैथिली है, कई उसमें लिटरेचर दिए गए हैं, नेपाली चूज कर सकते हैं, तो वो अगर आपको पढ़ना हो तो आप एज अ लिटरेचर उसको इन तीन कॉम्बिनेशन में आप चूज कर सकते हैं। मैं इसमें बता दूं एक ऑनर सब्जेक्ट होता है, ऑनर सब्जेक्ट जो होगा आपका तीनों साल पढ़ना रहेगा, फाइनल ईयर में केवल आपको ये ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, और प्लस इसके साथ आपको ये लैंग्वेज का पोर्शन पढ़ना रहेगा, बाकी जो ये दो है ये नहीं पढ़ने रहते हैं, ये छूट जाते हैं, ये दो कोर में जो सब्जेक्ट, ये तीनों साल सेम चलेगा,
कोर, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट किसी ने कोर में चूज किया है ज्योग्राफी, आपने ऑनर्स चूज किया है ज्योग्राफी, तो दोनों के सेम चलेंगे दो साल तक, बट थर्ड ईयर में जैसे आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे आपका जिनका कोर में ज्योग्राफी उनका छूट जाएगा, ऑनर्स वालों को पढ़ना रहेगा, उसके जितने भी पेपर होते हैं केवल ऑनर्स सब्जेक्ट में वही होंगे जो उसको आपने ऑनर्स चूज किया था। तो ऑनर्स आप वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि आप यूपीएससी को देखकर, अभी को यूपीएससी को देखकर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं और आपको बाद में लगता है कि नहीं मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता ऑनर्स के तौर पर, तो आपको प्रॉब्लम होगी या कोर में रखकर। तो आप यूपीएससी को ध्यान में रखिए, लेकिन सब्जेक्ट उन्हीं को चूज कीजिए जिनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यूपीएससी की जब आप पढ़ाई करेंगे और जो यहाँ का सिलेबस मिलेगा, तो ये सिलेबस जो बीएचयू का है टीचिंग प्रोफेशन के बेस पर है, ये आपको एकेडमिक की तरफ ले जाता है, और यूपीएससी की एक डिमांड थोड़ी अलग होती है, वो आपको डिफरेंट टाइप के नॉलेज की डिमांड करता है, तो वो यहां से आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप बेस मजबूत करना चाहते हैं, आप यूपीएससी ओरिएंटेड होना चाहते हैं, तो मैंने जो सब्जेक्ट बताए हैं अगर इनमें से आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप उसको चूज कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैं यूपीएससी की बात कर रहा था कि यूपीएससी की डिमांड क्या होती है, जैसे अभी एक बहुत मैं करंट अफेयर्स से एक इश्यू ले रहा हूं, अभी एमएसपी बहुत तेजी से चल रहा था, तो एमएसपी में जनरली आदमी क्या पढ़ सकता है कि एमएसपी, हाँ एमएसपी होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसानों को दिया जाता है और इतना इतना इन फसलों पर लगा, बट यूपीएससी की डिमांड क्या हो सकती है इसमें, मैं जानना चाहता है कि एमएसपी क्या है, एमएसपी क्या होता है, ये किसके लिए होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कब लागू किया गया, आज के समय में इसकी क्या डिमांड है, भाई इसको चालू रखना चाहिए नहीं चालू रखना चाहिए, अगर चालू रखते हैं तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भाई इसको कोई कहीं भ्रष्टाचार हो जाता है या कहीं बिक्री कम दाम में होती है तो इसके सामने क्या है, और आपको किन किन फसलों के लिए लगाया जाता है, जिन फसलों पर नहीं लगाया जाता उन पर क्यों नहीं लगाया जाता, जैसे सब्जियों पर एमएसपी नहीं लगाया जाता उसके पीछे का रीजन ये है कि सब्जियां अल्पकालिक होती है, जैसे 2-3 दिन में खराब होने लगती है और इनको गवर्नमेंट नहीं खरीदती है, और एमएसपी उन्हीं फसलों पर लगाए जाते हैं जिनको गवर्नमेंट खुद खरीदती है, क्योंकि एमएसपी गवर्नमेंट के लिए होता है, प्राइवेट जो मतलब बिजनेसमैन है वो किसी भी दाम पर खरीदे, उनके लिए अभी तक भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें उनके लिए कंपलसरी रखा गया हो, तो ये यूपीएससी की डिमांड होती है। इस तरह से वो आपको थिंकिंग क्रिएचर, आप चाहे जितने बुक्स पढ़ लें चाहे जितना सिलेबस पढ़ लें लेकिन आप यूपीएससी कभी क्वालिफाई नहीं कर सकती, आप अगर आप थिंकिंग क्रिएचर नहीं है, तो आपको यूपीएससी की एक ही डिमांड है, आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, आपके पास थॉट्स होने चाहिए, आपके पास आइडिया होनी चाहिए, आप उसको ट्राई कीजिए, उसको कहां उसको अप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी की डिमांड बिल्कुल डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बताया था कि ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मैं यूपीएससी की डिमांड जो है उसका सिलेबस जो है वो बता सकता हूँ, आपके कौन से सब्जेक्ट हेल्प कर सकते हैं मैं ये बता सकता हूँ, बट पढ़ना आपको है, थिंकिंग आपको करनी है, और आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो आपको करना है। जैसे अभी आप हो सकता है यूपीएससी का ड्रीम लेकर चल रहे हो, बट बीच में आपको लगे कि नहीं यूपीएससी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो अगर आप टोटल देख लें तो इस बार 948 सीटें शायद थी, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक दो इधर उधर हो सकती हैं, तो इतनी सीटें थी, और अपीयर कितने होते हैं 10 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं, 5 लोग प्री देते हैं, मेंस में सिलेक्शन, मेंस के लिए सिलेक्शन होता है 15,000 का, तो आप अगर आपको बीच में लगे कि नहीं मैं इसमें नहीं कर सकता हूं, तो आपके पास फिर प्लान भी होना चाहिए, प्लान भी कहां से आएगा, एकेडमिक में आ सकता है, वनडे एग्जाम में आ सकता है, जो कल नील सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो आपके पास करियर प्लान हो सकते हैं, तो आपको ये देखना होगा, तो इसलिए प्लान भी आपका जो रहेगा, हो सकता है टीचिंग प्रोफेसर में जाना चाहे तो किस सब्जेक्ट में जा सकते हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसी में आपको इंटरेस्ट आएगा, ऊपर से थोपे गए सब्जेक्ट को कभी लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए आप उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा ऑनर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। दूसरा वो रखिए, अगर आप यूपीएससी में बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना चाहिए, फिर आप वो सब्जेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे हो, मैंने जिनको समझाया है ये सब्जेक्ट, अभी मैं और बता दूं कि बाकायदा जो स्टेट पीसीएस के सिलेबस नहीं आ रहे हैं वो भी यूपीएससी के सिलेबस के बेस पर ही बनाए जा रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, इधर राजस्थान का हो गया, मध्य प्रदेश, ये सब लगभग सेम वही पैटर्न अपनाए हैं, तो ये सिलेबस आपके स्टेट पीएससी में भी हेल्प करेगा, तो आप इनको चूज कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन का आपका रहेगा। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।